बीजेपी की गोगो दीदी योजना को लेकर सियासत गर्म है। सीएम हेमंत ने गोगो दीदी योजना को फर्जी करार दिया है। उन्होंने कहा कि कई लोग ठगने के लिए आएंगे लेकिन उनके जाल में नहीं फंसना है। इस पर बीजेपी प्रवक्ता शिवपूजन पाठक ने पलटवार करते हुए कहा कि हेमंत सरकार 5 साल तक लोगों को ठगने का काम करती रही है। बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता से जेएमएम डरी हुई है। फॉर्म भराना कौन सा आज के दिन फर्जी लोग भी आज के दिन सिपाही बहाली का क्लर्क बहाली का फर्जी फॉर्म निकाल करके लोगों को ठगते हैं कि नहीं? तो ठग एक्सपर्ट है। आप लोगों ने देखा है कि नहीं कितने फ्रॉड लोग पूरे देश में है? कभी लॉटरी का टिकट की तरह बांट रहे हैं, कल जब ठगाएंगे, जब लोग अपना सर फोड़ेंगे जो लोग फॉर्म भरेंगे, तो वो सब उनका काम है, वो वही लोग ठीक से बता पाएंगे कि वो लोग कर क्या रहे हैं। 5 साल तक जो फर्जीवाड़ा, धोखेबाजी और लोगों को गुमराह करने का काम जिस सरकार ने किया, वैसे लोग भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी के जनाधार से निश्चित तौर पर हतोत्साहित होंगे और निराशा में हतोत्साहित होकर के ऐसी बयानबाजी होगी। इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो हमारी प्रशंसा नहीं कर सकते हैं, वो इसके नकारात्मक चीज़ों को ही कहेंगे कि नकारात्मक बातें ही इस संबंध में कहेंगे। कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही इस राज्य का गठन की है और विकास भी भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है।